हेलो बच्चों, आज हम गणित की क्लास में मोदी केयर फाउंडेशन की तरफ से आपको ये जो वर्कबुक दी गई है उसके पेज नंबर 9 को समझेंगे, जिसका टॉपिक क्या है, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहाँ पे देखें क्या लिखा है, खाली बॉक्स में सही चिन्ह लगाएं। हमारे पास यहाँ पर तीन चिन्ह दिए गए हैं जिन्हें हमें इसे खाली बॉक्स में लगाना है। यहाँ हमारे पास तीन उदाहरण दिए गए हैं, पहले इसको समझेंगे। सबसे पहले क्या है, 150, 126। 150 और 126 में कौन सा बड़ा है, पहले देखें ये तीन अंकों की संख्या है, ये भी तीन अंकों की संख्या है, तो दोनों संख्याओं में देखते हैं सैकड़े का अंक, यहाँ पे भी एक है, यहाँ भी एक है। अब दहाई के अंकों की तुलना करें तो यहाँ पाँच है, यहाँ दो है, तो इसका अर्थ है पाँच दो से बड़ा है। तो पूरी संख्या 150, 126 से बड़ी है। जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ हम ये खुले वाला निशान लगाते हैं। आगे देखें 200, 345। अब दोनों तीन अंकों की संख्या है तो इसमें हम सैकड़े के अंकों की तुलना करें, 2, 3, तो 3 2 से बड़ा है। जो संख्या बड़ी होती है इससे पता चलता है 345 200 से बड़ा है, तो जो संख्या हमारी बड़ी होगी उसकी तरफ ये खुले वाला चिन्ह आएगा। अब आगे देखें 136, 136, दोनों संख्याएं बराबर हैं तो इसमें बराबर का चिन्ह आएगा। अब इन संख्याओं के बीच में हम ये वाले चिन्ह लगाते हैं। सबसे पहले क्या है, 500, 426, ये भी तीन अंकों की संख्या, ये भी तीन अंकों की संख्या। पाँच और चार की तुलना करें, ये दोनों सैकड़े के अंक हैं, तो पाँच चार से बड़ा है, तो इसका अर्थ क्या हो गया, 500, 426 से बड़ा है, तो 500 की तरफ हम ये खुले वाला चिन्ह लगाएंगे। 351, 420, 351 में देखे सैकड़े के अंक 3, 4, 4 3 से बड़ा है, तो इसका अर्थ क्या हो गया, 420 संख्या 351 से बड़ी है, तो बड़ी संख्या की तरफ ये वाला चिन्ह आएगा खुले वाला। 312, 312, दोनों संख्या बराबर हैं तो ये बराबर का चिन्ह आएगा। इसी तरह आपकी वर्कबुक में और भी संख्याएं दी गई है जिन दो दो संख्याओं के बीच में आपको ये चिन्ह लगाने हैं। पहले आप इसको समझेंगे और उसके बाद वर्कबुक का ये पेज अपने आप करेंगे। बाय बच्चों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।